दोस्तों आजकल ये फिल्मों में कम नजर आते हैं, लेकिन हाल ही में आपने इन्हें देखा रामलीला में। सैकड़ों और फिल्में की हैं, लेकिन राम के साथ इनका संबंध पुराना है एंड वेरी सक्सेसफुल संबंध है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने राज कपूर की राम तेरी गंगा मैली और सुभाष घई की राम लखन में भी काम किया था। एंड कोइंसिडेंस ऑफ कोइंसिडेंसेस, ऑल द थ्री राम फिल्म्स हैव बीन ह्यूज हिट्स। फ्रेंड्स, लेट्स वेलकम राम, रजा अली मुराद, दैट इज राम, लेट्स वेलकम हिम। वेलकम टू ETC बॉलीवुड बहुत बिजनेस। बहुत शुक्रिया कोमल। मैं एक बात इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि मैं रामपुर शहर का रहने वाला हूं अच्छा, रामपुर शहर के रहने वाले। और यस, स्कूल में मेरा नाम था रजा अली अली मुराद। मुराद, REM। तो मैंने क्या किया कि अली अपने बेटे को दे दिया अच्छा और रजा मुराद अपने पास रखा। तो आज भी मेरे पास जो पुराने मेरे सर्टिफिकेट्स हैं वो रजा स्कूल अली के, मुराद के रजा नाम अली से। मुराद। ओह, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपकी जर्नी ट्रेस करते हैं, आप सबसे पहले रेडियो में अनाउंसर थे, जी रेडियो रेडियो अनाउंसर से फिर फिल्म इंडस्ट्री में कैसे कदम रखा आपने? नहीं कोमल, ऐसा है कि रेडियो अनाउंसर में नहीं था, मैं कैजुअल आर्टिस्ट था। कैजुअल आर्टिस्ट। ओके, और ये भोपाल की बात है 1967-68 की, जब मैं हायर सेकेंडरी में पढ़ रहा था। अच्छा, उस जी दौरान। जी हाँ, जी और वहीं मेरी मुलाकात जया भादरी से हुई, वो भी स्कूल में थी, मैं भी स्कूल में था, और कुछ प्लेज हमने भोपाल रेडियो स्टेशन पर किए थे। तो ये मैंने सोच रखा था कि पूरी जिंदगी जो है वो मैं जाय नहीं करूंगा करेक्ट। स्ट्रगल में। तो मैंने सोचा था कि 5 साल में देता हूं, लेकिन आहिस्ता 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 काम मिलता रहा मिलता रहा। फैंटास्टिक। तो मतलब आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, करनी पड़ी, बिल्कुल करनी और पड़ी। स्ट्रगल डेज कैसे थे आपके? मैं बताता हूं, देखिए ये आज का जमाना नहीं है कि साहब ईमेल भी है और आपकी वेबसाइट भी है। और उस जमाने में ये नहीं है कि भाई सीडी है तो आपने फौरन दिखा दिया। उस जमाने में क्या था कि जो हमारी इंस्टीट्यूट की कुछ फिल्में थी उनके कैंस फिल्म्स डिवीजन में होते थे, और ये उन्होंने हमें फैसिलिटी दी थी कि अगर आपको किसी को दिखाना दिखाना है है। हाँ तो हाँ आप लेके जा सकते हैं। तो मैं एक वाकया आपको सुनाना चाहता हूं, फिरोज खान साहब का। वो धर्मात्मा बना रहे थे और एक रोल था उनके पास जो बाद में इम्तियाज खान ने किया, फरीदा जलाल के हस्बैंड का, उनके जीजा का रोल था। तो उस रोल के लिए मैं कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ अपना काम दिखाइए। दत्त साहब का स्टूडियो होता था अजंता। प्रीव्यू थिएटर। करेक्ट जी, डबिंग भी होती थी। करेक्ट करेक्ट। तो साहब वो मैंने थिएटर बुक किया, कैंस लेकर आया। वो आए तो कहा कि मैं एक रील देखूंगा। तो कुछ उनके साथ महिलाएं भी थीं, कुछ फ्रेंड्स थी उनकी। तो एक रील उन्होंने देखी, मेरे काम के बारे में कुछ नहीं कहा, कहने लगे कैमरा वर्क बड़ा अच्छा है इसका, कैमरामैन कौन? एक रील देखी और चले गए। बिना कुछ बताए कि आपका हाँ काम हाँ कैसा कैमरा रहा। वर्क, द कैमरा वर्क वॉज वेरी गुड रजा, हूज द कैमरामैन? चले गए, कोई बात नहीं। उसके बाद फिरोज खान साहब ने मुझे तकरीबन 15 साल के बाद ओह माय गॉड। जहांबाद में बुलाया, और उन्हें वो वाकया याद था। कहने लगे रजा आई एम सॉरी ब्रदर, आई कुंट डू एनी थिंग फॉर यू एट दैट टाइम। इनको कोई बात नहीं, इट्स ऑल इन द गेम। तो ऐसा होता है। और देखिए क्या था, आज बड़े विकल्प हैं। आज अगर आप स्क्रीन पे कामयाब नहीं होते हैं तो आप टीवी कर सकते हैं, और टीवी भी जो है आज इतना छाया हुआ है कि ये जो बड़े बड़े टेलीविजन सैटेलाइट का जो इन्वेजन हुआ है, तो ये बहुत अच्छा हुआ है स्ट्रगलिंग एक्टर्स के लिए, एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल अच्छा प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आज तो ये है कि यू कैन ऑलवेज बाउंस बैक ऑल्सो। करेक्ट। शाहरुख खान भी जो है वो टीवी, टेलीविजन की ही देन है। और आज कितने हीरो हैं, यंगस्टर्स हैं जो जिन्हें आज फिल्म में टीवी की बदौलत ब्रेक मिल रहे हैं। हमारे जमाने में तो टीवी टावर ही नहीं था, तो टीवी को जाने दीजिए, ये टीवी टावर बन रहा था। तो बहुत मुश्किल था स्ट्रगल करना। मैं तो बिल्कुल ये समझता हूं कि फिल्म लाइन में प्रवेश करना बिल्कुल ऐसा ही है कि 5:30 बजे की आप चर्च गेट की लोकल ट्रेन पकड़ें, उसमें जगह होती नहीं है। आपको जगह बनानी पड़ती बनानी है, पड़ती है। आपको घुसना पड़ता है, आपको लटकना पड़ता है, फिर आपको एक पांव रखने फुटहोल्ड गेन करना पड़ता फुटफॉल है। किया।
उस तरीके से ये लाइन है, ये कॉम्पिटिटिव लाइन है। और आज भी मैं न्यू कमर से कहता हूं कि भाई आप आइए तो सोच समझ कर आइए। लेकिन मैं एक बात और मानता हूं, कोमल, के जो कामयाबी है उसके लिए तीन चीजें चाहिए। एक तो टैलेंट चाहिए, करेक्ट, वो तो सबसे अहम बात है। फिर चाहिए हार्ड वर्क, एंड देन अबव ऑल आपकी तकदीर। आपकी आवाज के कारण लोग आपको ज्यादा नोट करने लगे, ऐसा कभी आपने नोटिस किया? हाँ, इतनी बुलंद आवाज है आपकी। देखिए, ये आवाज जो है इसके बड़े प्लस पॉइंट्स भी हैं और माइनस पॉइंट्स भी हैं। माइनस पॉइंट्स? हाँ, मुझ पर एक शो स्टीलर की मोहर लग गई कि रजा मुराद सीन चुरा लेता है। हालांकि देखिए, ऐसा कुछ नहीं था। नमक हराम में एक सूटेबल रोल मिला था, एक शायर का रोल मिला था। उस जमाने में मैं दुबला पतला था, शेरो शायरी का हमेशा मुझ में बहुत शऊर रहा है, जो वाले साहब की देन थी। तो वो उसमें कुछ शेर पढ़ने थे, कुछ बात बन गई, बात बन गई। हाँ। और उस फिल्म में रोल बहुत नोटिस हुआ, और बड़े मुल्क के माने जाने कलाकार राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, रेखा, सिमी ग्रेवाल, असरानी साहब, उनके बीच में उनके होने के बावजूद आप नोटिस हो गए। जी हाँ, ये बात मैं आज कह रहा हूं। उस जमाने में अगर मैं कहता तो लगता कि साहब मैं खंबा नोच रहा हूं खिसिया कर या मैं फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूं। ये बात मैंने उस जमाने में कभी नहीं कही। लेकिन बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं, बहुत से ऐसे वेल स्टेब्लिश्ड हीरोज हैं जो मेरे साथ काम करने से मना कर देते थे। अच्छा, थोड़ा मैं भी इंट्रोवर्ट था, मैं भी लोगों में घुलता मिलता नहीं था, तो ये मेरे साथ हुआ है। ये बात शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी होती थी, लेकिन वो एक बहुत बड़ा नाम थे। उनके फिल्म में आने से फिल्म में जान आती थी, तो उन्हें मजबूरन लेना पड़ता था। मेरे साथ ऐसा नहीं था, तो मैं पिसने लगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि आवाज का जो एक और डिसएडवांटेज है कोमल, वो यह है कि रजा मुराद के एक्टिंग टैलेंट को हमेशा रजा मुराद की आवाज ने डोमिनेट किया है। रजा मुराद अच्छी आवाज है यार, हमें आपकी आवाज बड़ी अच्छी लगती है, एक्टिंग की कोई बात नहीं करता, नहीं करता। समझे ना? तो ये कुछ माइनस पॉइंट्स रहे। लेकिन मैं एक बात और बताऊंगा कोमल आपको, कि जब भी मुझे काम मिला है आउट ऑफ द ब्लू मिला है, राज साहब ने बुलाया मुझे प्रेम रोग के लिए, कभी राज साहब से मैं मिला नहीं था, कभी नहीं मिले थे उससे नहीं, मैंने बहुत कोशिश की। मैंने डब्बू से भी कहा, डब्बू से मेरी मुलाकात थी कि कभी साहब से मिलवाइए। रजा, यू नो ही डजंट मेक अ फिल्म वेयर यू कैन फिट। एग्जैक्टली लाइक दैट। आरके में मैं अक्सर शूटिंग करता था, आरके स्टूडियो। जी हाँ जी हाँ, आरके स्टूडियो में शूटिंग करता था, और मैं सोचता था कि कभी राज साहब से आमना सामना हो जाए। 3 महीने के बाद मुलाकात हुई और एक बड़ी अच्छी उन्होंने बात कही। वो बहुत मुझसे खालिस उर्दू में बोले, कहते हैं रजा साहब, ये जो हम तस्वीर बना रहे हैं, तस्वीर का मतलब ही नहीं फिल्म, फिल्म, इस किरदार के लिए आप ही हमारे जहन में है, हमने आपके अलावा किसी को सोचा नहीं है, हमारी कोई सेकेंड चॉइस नहीं है। हाँ, अगर आप मना करेंगे तो फिर हम किसी और के बारे में सोचेंगे। स्वीट। तो राजा भोज गंगू देली से ये कह रहा है, जब पहला शेड्यूल हुआ, उसके रशेस बने, उन्होंने एडिट किया और सबको बुलाया जो मुझे अपोज कर रहे थे। कहने लगे, देखिए साहब, देखिए, फैंटास्टिक, हमारी भी आंख है साहब, देखिए। अरे, एंड एवरीबॉडी वाज डंबफाउंडेड। तो ऐसे शुरुआत हुई, और उसके बाद राम तेरी गंगा मैली मिल लिया उन्होंने। तो किसी ने उनसे कहा, कहने लगे साहब, हमसे किसी ने कहा कि रजा साहब को आप हर फिल्म में क्यों लेते हैं, आपके तो इतने रिश्तेदार हैं। कहने साहब, रजा साहब को हम इसलिए लेते हैं कि हमें उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारी आंख का इशारा समझते हैं कि हमें क्या चाहिए। Fantastic. तो ऐसी मेरी ट्यूनिंग हो गई उनके साथ। यहां ट्यूनिंग थी, ऐसी रिलेशनशिप थी। लेकिन अब ऐसे लोग पैदा नहीं होते। राज साहब के साथ अगर वही जुनून, वही पैशन, वही डिवाइन मैडनेस अगर मैंने किसी में देखी है, तो मैंने संजय लीला बंसाली में देखी है, आफ्टर राज कपूर साहब। जी 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 जी, सेम पैशन। यानी जब वो सेट पर हैं तो बजट क्या है, शिफ्ट क्या है, कुछ ध्यान कुछ नहीं,
डिवाइन मैडनेस और बार ऐसी फिल्में बनती हैं। हाँ ऐसी बनती है। देखिए क्या है, कॉरपोरेट हाउसेज आ गए हैं, बहुत अच्छी तब्दीलियां भी आई हैं। आज जो लोग आए हैं दे मीन बिजनेस। उस जमाने में पापा जी तुसी ग्रेट हो, पापा जी तुसी कोट हो, पापा जी तुसी तोप हो, वो जमाना बदल गया है। नाउ दे मीन बिजनेस। ये आपका पैसा है टेबल पे, ये हमारी डेट्स है एंड नो हैंकी पैंकी। आज के एक्टर्स भी बड़े डिसिप्लिन है, 100% डिसिप्लिन है। आज फिल्में दिमाग से बनती हैं, आज फिल्में बजट से बनती हैं, यहां से बनती हैं, यहां से बनाने वाले बहुत कम हैं। राज कपूर जब फिल्म बनाते थे तो मैंने दो बार देखा कोमल, उन्हें बीमार होते हुए देखा फिल्म के रिलीज होने से पहले। राज कपूर, राज कपूर का नाम, राज कपूर की रेपुटेशन, राज कपूर का पैसा, हर चीज जो है दांव पे लगी हुई है, वो था। दो बार मैंने देखा कि फिल्म से पहले बीमार हो गए, टेम्परेचर हो गया, बिल्कुल वो गुलाबी होंठ और चेहरे की लाली गायब हो जाती थी, सफेद हो जाते थे, और जैसे ही फिल्म हिट होती थी वो लाली और वो सब गुलाबी होंठ वापस आ जाता। ये पैशन था। एग्जैक्टली, ये पैशन था। लोग बहुत बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए। उस जमाने में क्या था कि प्रोड्यूसर आपको पैसा भी दे रहा है, आपके हाथ भी जोड़ रहा है, आपकी दरबारदारी भी कर रहा है, हाँ हुजूरी भी कर रहा है, जी हाँ जी हुजूरी भी कर रहा है। और मैंने अब से कुछ 10-12 साल पहले तक देखा है कोमल के किसी तरीके से आप हीरो को ले आइए, हीरो सब्जेक्ट चुनता था, हीरो डायरेक्टर चुनता था, हीरो हीरोइन चुनता था, और हीरो ही पूरी कास्ट चुनता था, जो उसकी गुड बुक्स में होते थे या जो उसकी फेवरेट हीरोइन होती थी ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन। आज ऐसा नहीं है, आज ऐसा नहीं है। बड़े इंटेलिजेंट डायरेक्टर्स आए हैं, दे आर रेडी टू टेक रिस्क, जोखिम लेते हैं, बोल्ड सब्जेक्ट्स बनाते हैं, आम रविश से हटकर सब्जेक्ट बनाते हैं। तो एक इनकलाब तो आया है, एक इनकलाब आया है, एक जबरदस्त इनकलाब आया है, और उस इनकलाब में विलन्स तो बह गए हैं उस तूफान में। क्यों विलन्स क्यों बह गए? मैं आपको बताता हूं। एक जमाना ऐसा था जब विलन के बगैर कोई फिल्म बनती नहीं थी। उसके बाद आए सूरज कुमार बरियाटिया, उन्होंने बनाई हम आपके हैं कौन, उसमें कोई विलन का कोई काम ही नहीं था, विलन का काम नहीं था, फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। उसके बाद आपके बराबर में जो है आदित्य चोपड़ा, उन्होंने बनाई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, विलन नदारत, फिल्म सुपर हिट। उसके बाद आए करण जौहर साहब, फिल्मों पे फिल्में बना रहे हैं, हिट पे हिट हो रही हैं और विलन्स नहीं है। तो मतलब ये आपके पेट पर लात मारते हैं, पेट और पीठ दोनों पे। मगर आजकल तो ऐसा भी हो गया है कि हीरो और हीरोइंस ही विलन का काम कर लेते हैं। ये तो बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है। कि पहले दे वो वेरी इमेज कॉन्शियस, करेक्ट, कि हम ये नहीं करेंगे, हम कोई ऐसा डायलॉग नहीं बोलेंगे, हम विलन से पिटेंगे नहीं। लेकिन शाहरुख खान ने ये भी तरीका बदल दिया है। जितनी पिटाई शाहरुख खान की डर में हुई, मैं समझता हूं कि किसी हीरो की आज तक नहीं हुई होगी। और अगर डर में कोई याद रहता है तो सिर्फ शाहरुख रहता है। नहीं देखिए, रूल्स आर चेंजिंग। एग्जैक्टली, देखिए उसने भी बड़े रिस्क लिए साहब, बाजीगर की, डर की। उसके बाद तो लाइन लग गई है। काजोल ने भी गुप्त में किया, करीना ने भी किया, अक्षय ने भी किया, और एक ही फिल्म में अजय देवगन और ऐश्वर्या ने भी किया, खाकी में, खाकी, यस, बच्चन साहब ने भी किया, इसमें राम गोपाल वर्मा की आग में। आज भी ऐसे बहुत से हीरोज हैं कि लोग उन्हें लेते नहीं हैं। आज से 10-15-20 साल पहले दिवस सुपरस्टार दो दो घंटे वो डेट प्रसाद में बांटकर काम करते थे, लेकिन आज उन्हें इसलिए नहीं लिया जाता कि वो आज सर्कुलेशन में नहीं है, नहीं है, या इतने ज्यादा ओवर एक्सपोज हो गए हैं, या इतनी फिल्में की हैं कि लोग उन्हें देख देख के उकता गए, उब गए, उनको नहीं लिया जाता है। तो बात वही है। और आज जैसे प्रकाश राज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अक्सर ऐसा होता था कि तेलुगु फिल्म्स में हीरोइंस और विलन एक्सपोर्ट होते थे। ये पहला विलन है जो वहां से हमने
इंपोर्ट किया है हिंदी फिल्म्स के लिए, बट इज अ वेरी गुड एक्टर, वेरी गुड एक्टर। मगर रजा साहब, जब ऐसे बदलाव आ गया है, डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट यूज टू दिस चेंज? डिफिकल्ट है या नहीं है, फेस तो करना है। और सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं, बहुत आपके दौर के बहुत से सब पिस गए हैं ना, आप देख लीजिए। मैं मतलब हमारे जो साथी प्रेम चोपड़ा साहब, रंजीत, शक्ति कपूर, कुलभूषण खरबंदा और अपने सदाशिव अमरापुरकर, आपका खादिम रजा मुराद, किरण कुमार, हम लोगों ने इंडस्ट्री पे रूल किया है, हम लोगों ने इंडस्ट्री पे हुकूमत की है 90s में। 90s जो है डेकेड कहा जाता था विलन्स की, कोई फिल्म हमारे बगैर बनती नहीं थी। हम पांच पांच शिफ्ट में काम करते थे, लेकिन ठीक है, एक दौर था, वो भी दौर था, ये भी एक दौर है, ठीक है, और कोई मलाल नहीं है। एंड आई एम नॉट वन ऑफ दोज सीनियर एक्टर्स के साथ, एक्टर तो हमारे जमाने में होते थे और फिल्में तो हमारे जमाने में बनती थी नहीं, आज बड़े अच्छे एक्टर्स हैं। ऑल दीज न्यू कमर्स आर, दे आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, दे आर वेरी कैमरा फ्रेंडली। लेकिन एक जो चीज है जो मैं मिस करता हूं आज के एक्टर्स में, ज्यादातर जो आज के एक्टर्स हैं वो मेट्रोपॉलिटन कल्चर से आए हैं, तो जो जबान अमिताभ बच्चन ने बोली है या जो जबान शत्रुघ्न सिन्हा बोलते हैं या जो आप लोग बोलते थे, जो हम बोलते थे, बल्लाज सानी साहब बोलते थे, नसीरुद्दीन शाह बोलते हैं, ओमपुरी बोलते हैं, वो जबान जो है उससे आज की जनरेशन की नावाकफियत है। तो दर्शकों के दिलों में उतरने के दो ही रास्ते हैं, आंखों और कानों के जरिए। तो कानों के जरिए वो थोड़ा फेल हो रहे हैं। जी 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 जी। और जो एक मौजूदगी का एहसास डायलॉग राइटर सिनेमा हॉल में दिखलाता था, सलीम जावेद साहब के डायलॉग, कादर खान के डायलॉग, पंडित मुखराम शर्मा के डायलॉग, आज वो लिखने वाले नहीं हैं, आज वो पंच लाइंस नहीं है। वो जो दौर था वो एक सुनहरा, वो एक गोल्डन दौर था, और हम दुआ करते हैं कि वो दौर दोबारा वापस आए। पर रजा साहब, आप आज के जमाने की फिल्में सब देखते हैं, अभी भी देखते हैं सब फिल्में? मौका मिलता है तो देख लेता हूं, और अक्सर जो फिल्में रिलीज होती हैं उसके डेढ़ दो महीने के बाद वो टीवी पे आ जाती हैं, प्रीमियर हो जाता है, तो मौका मिलता है। थिएटर में जाना अच्छा नहीं लगता, और मैं आपको कसम खा के कहता हूं कि मैंने अब तक रामलीला भी नहीं देखी है। अच्छा, बिकॉज यू हैव नॉट गॉन टू द थिएटर एंड अब तक टीवी पर नहीं आई है? जी हाँ, टीवी पर मैं, ओह माय गॉड, जब टीवी पर आएगी तो मैं जरूर देखूंगा। नहीं, आपका काम बड़ा पसंद आया लोगों को, बहुत अच्छा, छोटा काम था, छोटा रोल था, लेकिन योर प्रेजेंस वॉज नॉट मिस्ड। मतलब जब आप आते हैं स्क्रीन पर, एक अपनी छाप छोड़कर गए इस फिल्म में भी, जैसे हमेशा छोड़कर जाते हैं। आप कदरदान हैं, कदरदान हैं आप, इसलिए कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जैसे हमेशा मुझे काम आउट ऑफ द ब्लू मिला है, तो संजय लीला बंसाली से भी मेरे कभी कोई ऐसे मरासिम या ताल्लुकात नहीं थे, खुद उन्होंने मुझे बुलाया, एंड ही वॉज वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल। तो यू डोंट बिलीव इन अप्रोचिंग प्रोड्यूसर्स के मुझे काम चाहिए? आई बिलीव इन अप्रोचिंग द प्रोड्यूसर्स, लेकिन मुझ में वो हिम्मत नहीं है, ये हो सकता है कि बहुत बड़ी कमी है मुझ में। बट सम पीपल आर मेड दैट वे। हाँ, मैंने कभी रोल्स के लिए कोशिश की नहीं है। ये जरूर कहूंगा कि जिंदगी में मैं हमेशा गिवर रहा हूं, मैं किसी के लिए काम मांग सकता हूं, अपने लिए नहीं, आपके लिए नहीं। तो मेरा हाथ हमेशा, मैंने कोशिश की है कि यूं रहे, ना कि यूं रहे। टेलीविजन के बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, ऐसा है कि देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश के इफ यू कांट ज्वाइन देम, इफ यू कांट विन देम, ज्वाइन देम। तो मैं उसी बात में यकीन रखता हूं। पहले बहुत ही हिकारत की नजरों से देखा जाता था टेलीविजन वालों को कि छोटा पर्दा है, ज्यादा इनको लिफ्ट नहीं देनी चाहिए, इनको अपने पास बिठाना नहीं चाहिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नजरिया बदल रहा है। अमिताभ बच्चन आ गए तो फिर वो साइज स्क्रीन का जो है वो गायब हो गया। बिल्कुल। अमिताभ बच्चन आ गए, शाहरुख खान आ गए, करिश्मा कपूर आ गई, सलमान खान आ गए, और अभी अनिल कपूर भी अपने जलवे दिखा रहे हैं अदाकारी के। तो अब साइज डजंट मैटर एक्चुअली। हाँ, मैटर नहीं कर रहा है। और मैं ये कहता हूं कि टीवी ये जो माध्यम है, आज ये फिल्म से, देखिए फिल्म का अपना एक चार्म है, बड़े स्क्रीन का अपना एक चार्म है, वो हमेशा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल।
टेलीविजन सीरियल देखने के लिए कोई एक घंटे की लाइन नहीं लगाएगा या 500 रुपए का टिकट नहीं लेगा या 500 रुपए के पॉपकॉर्न नहीं खाएगा वहां जाकर। लेकिन ये जो हर घर में अपने आप प्रवेश करता है, धारावाहिक आते हैं, उसकी भी अपनी एक ऑडियंस हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड टेलीविजन इंडस्ट्री कई रिस्पेक्ट्स में फिल्म इंडस्ट्री से बड़ी हो गई है। बिल्कुल हो गई है। और आप उसको तो डिनाय, उसकी अहमियत को तो आप दरगुजर या आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। जिस तरह आपके काम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। रजा साहब, हमें ये शो यहीं खत्म करना होगा, इसी दुआ के साथ कि आप वैसे ही चमकते रहे, चाहे वो बड़ा पर्दा हो या छोटा पर्दा हो। बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे रजा साहब, इनकी फिल्में आपने खूब देखी है एंड आने वाले दौर में भी खूब देखेंगे, बिकॉज देर आर सम एक्टर्स हु जस्ट डोंट गो आउट ऑफ फैशन एंड रजा साहब इज वन ऑफ देम। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, हमारी मुलाकात कल फिर होगी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एपिसोड में। इन द मीन टाइम, आपके कोई सुझाव, कोई सजेशंस हो तो प्लीज डू राइट इन टू अस एट bollywoodbusiness@znetwork.com एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा, तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए बीबिज, स्पेस छोड़िए, टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल, स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए 575751। You can follow us on Twitter @ETC Bollywood. This is Komal Nahata bidding you goodbye.